ताकि उसको लोवेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर का पार्टनर है 0.6। अगर 0.6 डेसिमल है, अगर मुझे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगी मैं? तो 0. मतलब डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, तो 6/10 में लिख सकती हूँ, और उसके बाद मुझे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 के टेबल में 5 2 10 और सॉरी 2 3 6, तो यहाँ पर 3/5 हमारा क्या हो जाएगा? लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब बी पार्ट देखते हैं, उसके अंदर आपको 2.5 दिया हुआ। अभी 2.5 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25/10 लिख सकती हूँ, और उसका लोवेस्ट फॉर्म क्या करेंगे? 5 5 25 और 5 2 10, मतलब 5/2 उसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया। इसी तरह से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आपको घर से करने मैंने आपको दो समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग द डेसिमल। यहाँ पर आपको मिलीमीटर का दिया हुआ है, उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर कोई भी नंबर होता है, मुझे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऐसे हम करते थे, पर अगर मुझे 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते थे? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये 1/10 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने, 1 मिलीमीटर का 1/10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमें दिया है 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि 2 मिलीमीटर का कन्वर्ट करना है, तो 2/10, और इसमें कहा है डेसिमल में कहा है, इसलिए फ्रैक्शन हम रख सकते नहीं है, तो डेसिमल के लिए क्या आएगा? 0.2। ये हमारा हो गया, पर पीछे लिखना है सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का बोला है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पार्ट है एफ 83 मिलीमीटर। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो भी डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, देन 83 मिलीमीटर इज इक्वल टू 83/10, 83 का 8.3 सेंटीमीटर, इस तरह से आंसर लिखना है। ये ए और एफ करवाया है, इसमें जो भी आपको बाकी रहे वो कैसे करें, क्योंकि बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसमें कहा है कि बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स। यहाँ पर आपको दो नंबर्स गिवन है, और उस नंबर्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? नंबर लाइन्स के ऊपर कन्वर्ट, मतलब बताना भी है और लिखना है कि किस किस के बीच में आएगा। तो सबसे पहले 0.8 है, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पूरी नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है और दिखाया है कि जितने भी नंबर्स या फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सबको आपको वहां पे पुट ऑन करना है, दिखाना है। पर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लिए हैं, आपको 2 ही समझाऊंगी, बाकी के आपको घर से करने हैं। तो जितना जरूरी है उतना ही मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले 0। अभी ए पार्ट है, उसमें लिखा है 0.8। अब 0.8 किसके बीच में आएगा? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 0 और 1 के बीच में 10 पॉइंट्स हम बताएंगे, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है 0 और 1 के बीच में आता है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.8 मुझे कहाँ पे ड्रॉ करने, मतलब पुट डाउन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जहां पर ये वाला नंबर आता है वहां पे मैं लिखूंगी 0.8। ओके, अब लिखा है 2.6। अब 2.6 किसके बीच में आएगा? तो 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ, 1 से डायरेक्ट 2 ले रही हूँ नंबर लाइन 2, और फिर लिखेंगे
डायरी भी हमें बताना है, तो जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की जगह पर क्या आएगा 1। अब 0.2 का आएंगे 1 और 2, मतलब यहाँ पर इसी तरह से आप दिखा सकते हो। अब 1.1 की बात करते हैं, तो 1.1 के लिए भी इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आएगा हमारा 2। अभी 1.1 भी कहाँ पर आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 के बाद तुरंत ही जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या बन जाएगा 1.1। ओके, इसी तरह से बाकी का भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए बी सी डी ऑन गिवन नंबर लाइन। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन के ऊपर अभी नंबर्स गिवन नहीं है, पर उसकी जगह पर क्या गिवन है, ए बी सी डी गिवन है, और वहां पर कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कहाँ तक आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक, 8 पर आता है। तो ए का पॉइंट क्या होगा 0.8 होगा। अब बी का देखते हैं, तो 1 के बाद 1, 2 और 3 पॉइंट पर आता है, तो उसका लिखेंगे हम 1.3। सी के पार्ट में जाते हैं, तो 2 के बाद है दूसरे नंबर, मतलब 1 और 2 के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 2.2। लास्ट में 2 के बाद डी तक जाते हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो डी की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2.9। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्व कर लेंगे। देखो अब 10 नंबर का क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ रमेश स्मार्ट बुक्स इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। यहाँ पर रमेश की जो नोटबुक्स है उसकी लेंथ आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, सॉरी मतलब कि उसका जो गिवन है उसको आपको सेंटीमीटर का कन्वर्ट करना है, मतलब ये आपको जो गिवन है उसका आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। 9 सेंटीमीटर को एज इट इज रखते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। रही बात 5 मिलीमीटर की, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, देन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे हम। अब जो हमारा ढूंढना है हमें वो है 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर। 5/10 का कैसे लिखेंगे, 0.5 लिख सकती हूँ मैं। अब जो है 9 सेंटीमीटर उसके अंदर क्या करेंगे हम, लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 9.5 सेंटीमीटर। ओके, इसका ये ए वाला पॉइंट मैंने समझाया, बी वाला पॉइंट ऐसा ही है, वो आपको घर से करना है। एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको बहुत सारी फिगर ड्रॉ की हुई है, उस फिगर में से जिस तरह से उन्होंने डॉट किए हैं उसी तरह से आपको एक टेबल गिवन है, उस टेबल के अंदर नंबर्स पुट आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर पूरा 100 का आपको एक फिगर गिवन, मतलब 100 बॉक्स है, उस 100 बॉक्स में से कितने बॉक्स में मतलब डॉट्स किए हुए हैं और उस डॉट्स के हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 लाइन है, वहां पर 10 ऑलरेडी कम्प्लीट है, मतलब 2 10s है, तो यहाँ पर 1s की जगह पर क्या लिखेंगे हम 0, क्योंकि 1 हमें कुछ भी दिया नहीं। फिर है 2 10, मतलब ये 2 जो 2 है वो यहाँ पर लिखेंगे 10 की जगह पर, मतलब 2 आएगा। और 100 की जगह पर है 6, बाकी नंबर्स यहाँ पे क्या बनेगा, तो 0.26, क्योंकि 10 की जगह पर 2 है, 100 की जगह पर 6 है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.26।
इसी तरह से आपको बहुत सारी फिगर गिवन है, जो दो दो फिगर्स गिवन है मतलब एक बॉक्स पूरा किया हुआ है और दूसरे बॉक्स में थोड़े पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जो पूरा बॉक्स है मतलब एक 100 का वन है, तो आपको जो 100 का गिवन है उसके अंदर वन लिखना पड़ेगा और बाकी सारे के अंदर जिस तरह से पॉइंट्स दिए हुए हैं, डॉट्स लिखे हुए हैं, उसमें ऐसा ही करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर एक टेबल ऑलरेडी गिवन है, उसके अंदर नंबर्स भी गिवन है, आपको सिर्फ बताना है कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी, मतलब कि नंबर्स वो क्या बनेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक एक नंबर लिखा है, उसका पूरा नंबर क्या बनेगा। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट देखते हैं, 100 की जगह पर 0 है, 10 की जगह पर भी 0 है, 1 की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर 0 0 और 1 की जगह पर 2 है। फिर है 10 100 एंड 1000, तो उसके बाद क्या आएगा पॉइंट, मतलब हमारा डेसिमल आएगा। 10 की जगह पर 10 की जगह पर 2 है, 100 की जगह पर 5 है और 0 है। अगर आपको डायरेक्टली ऐसा लिखना है तो भी आप लिख सकते हो कि 3.250। ओके, अब सेकेंड नंबर का पार्ट है उसमें लिखते हैं, पी वाले में 100 की जगह पर 1 लिखा है, फिर 0 2। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां से 10 शुरू होता है वो आपका डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होगी, तो यहाँ पर डेसिमल लिखते हैं और उसके बाद जो भी लिखा है वो पुट ऑन कर देंगे। इसी तरह से आपको सारे के सारे नंबर्स बता रहे कि वो कौन से नंबर्स बनेंगे। अब जैसे ही हमने ये टेबल में गिवन था और हमने नंबर्स बनाए, वैसे यहाँ पर नंबर गिवन है हमें टेबल में पुट ऑन करना है, तो डायरेक्टली हम इसके नीचे या फिर मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर्स लाइन नंबर्स लिखे हैं टेबल्स के अंदर, उसी तरह से हम पुट ऑन करेंगे। तो ये 100, 10, 1, 10, 100 एंड 1000। डेसिमल 9
टू जीरो नहीं लिखने तो 1.20 भी लिख सकते, कोई भी लिखोगे वो सही होगा, बाकी के भी आपको घर से करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले 0.06 है, अगर 0.6 होता तो हम लिख देते कि 0 और 1 के बीच में आता है नंबर्स, पर यहाँ पर लिखा है 0.06 लिखा है, तो ये किसके नंबर्स के बीच में आता है, तो ये 0.01 से 0.1 के बीच में आता है। 0.01 से 0.01 यहाँ पर है, उसके बीच में ये नंबर्स आता है। अब सेकेंड नंबर में कहा है कि 0.45 वो कहाँ पे आता है, तो देखो हमने नंबर लाइन्स के अंदर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, पर यहाँ पर 0.4 और 0.5 मतलब 0.45 कहाँ पर आएंगे, तो वो नंबर्स 0.4 और 0.5 आएंगे। जैसे मुझे नंबर लाइन में दिखाना होता तो 0 की आगे वाली वैल्यू जितनी भी होती है, जैसे कि ये 0 होता है तो उसके आगे 0. जो नंबर्स लेते हैं मतलब 0.1 फिर 0.2, यहाँ पर 0.1 और बाकी के बीच में नंबर लूंगी तो 0.2, ये रहा 0.2, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आती है। यहाँ पर 0.4 है और 0.5, तो ये 0.45 इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। बाकी के जो है वो भी आपको घर से करना, अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट एज द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, ये वाला भी हमने पॉइंट सॉल्व कर लिया है, पर फिर से सॉल्व करते हैं कि 0.060 है उसका मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 0 के बाद डेसिमल के बाद 6 कहाँ पर है, 100 के स्थान पर है, मतलब कि 100 की प्लेस वैल्यू पर है, तो यहाँ पे मैं 0/100 लिख सकती हूँ, तब जाके ये 0.60 या फिर 60 लिखो, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 10 बचेंगे नीचे, सॉरी 6 और 10। अभी 2 के टेबल में 3 आता है और 6 आएगा, 2 3 6 और 2 5 10, तो यहाँ पर उसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/5। वैसे ही 0.05 है उसका मुझे लोएस्ट फॉर्म करना है, तो 5/100 लिखूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर 50 है नहीं, तो अभी यहाँ पर इसको लिखना है तो 25/100 होते हैं, मतलब यहाँ पर 1 बचता है, ये वाला हमने पहले ही अलग वाले चैप्टर में देखा था, मतलब आगे वाले चैप्टर्स में देखा था कि कोई भी हम अगर कट करते हैं तो 5